एक समय की बात है, शक्तिपुर नाम का एक राज्य था। वहां का राजा शक्ति सिंह बहुत ही नेक दिल इंसान था और अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। शक्तिपुर के लोगों से कोई भी अनावश्यक कर नहीं लिया जाएगा। मैं अपनी प्रजा को खुशहाल देखना चाहता हूँ। वह अपनी प्रजा से हमेशा बातचीत करता रहता था। मेरे प्रिय प्रजाजनों, आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है? आपके राज में हम सब बहुत सुखी हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि वे बहुत सुखी हैं, लेकिन फिर भी राज्य में बहुत ही कम प्रगति दिखाई दे रही है। कुएं सूख रहे हैं, तालाबों की गहराई कम होती जा रही है। जब बरसात होगी तब इनमें बहुत कम पानी ही संग्रह हो पाएगा और सड़कों पर भी कितनी गंदगी है। राजा शक्ति सिंह प्रजा से बहुत कम कर लेते थे, इसलिए राजकीय खजाने से सभी विकास कार्य करना संभव नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप शक्तिपुर के लोग तो समृद्ध हो रहे थे लेकिन राज्य के मूलभूत सुविधाओं में कमी आ रही थी। इसीलिए राजा ने एक दिन अपने बुद्धिमान मंत्री ज्ञानदेव जी से पूछा, ज्ञानदेव जी, मुझे बताइए कि राज्य की स्थिति इतनी खराब क्यों होते जा रही है, जबकि राज्य के लोगों का कहना है कि वे सुखी और समृद्ध है। महाराज, आप लोगों को जो भी सुविधा देते हैं वे उसका इस्तेमाल करते हैं और उसका लाभ लेते हैं, लेकिन जब तक उन्हें अपने कर्तव्य या जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा तब तक वे राज्य के विकास के लिए कुछ नहीं करेंगे। नहीं ज्ञानदेव जी, शक्तिपुर की जनता को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। क्यों ना हम इसे परखने के लिए लोगों की परीक्षा लें? शक्तिपुर के लोगों, हमारे पास के गांव में अकाल पड़ा है और इन्हें दूध की आवश्यकता है, इसलिए आज रात को प्रत्येक घर से एक जग दूध इस टंकी में डालना होगा। मैं राज्य की ओर से इसमें 20 जग दूध डाल चुका हूँ। घर में बस एक ही जग दूध है, हम क्या करें? नहीं, हमारे भाइयों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। यदि हम एक दिन चाय ना पिए या हमारे बच्चों को दूध ना मिले तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं तो पानी डाल दूंगा, वैसे भी बाकी सब तो दूध ही डालने वाले हैं। से भरी टंकी में यदि एक जग पानी भी मिल जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा।